नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं अपोलो हॉस्पिटल के बारे में, जिसका जो क्वार्टर फोर का जो नेट प्रॉफिट आया है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जितना से ज़्यादा हो सके आप ये वीडियो शेयर करिए ताकि और लोगों के पास ये वीडियो जाए और मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ हो। प्लीज़ आप सपोर्ट करिए और लोगों को अच्छी नॉलेज मिले। थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं स्टॉक के बारे में, अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। यहाँ पे आप देखिए जो स्टॉक का जो प्राइस है वो 5766 रुपये है। थोड़ा सा आज यहाँ पे आपको गिरने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 82,667 करोड़ का मार्केट कैप है। बाउंड वीक अगर हम लो की बात कर लें तो 4658 रुपये का, और बाउंड वीक अगर हम हाई बात करें तो 6874 रुपये। इंडस्ट्री का जो पी है वो 105 का है और स्टॉक का पी है 105 का है, इंडस्ट्री पी 43 का है। मतलब अपने पी से महंगे पर मिल रहा है। बुक वैल्यू 453 रुपये का है। अगर हम यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.26% का डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू जो है 5 रुपये की, आरओई जो है वो 13.70 रुपये का है। अगर हम यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 54.9 रुपये का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है। जो इनके पास कर्जा है 4889 करोड़ का, और यहाँ पे जो कैश फ्लो है वो 252 करोड़ का है। इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे आप देखिए जो शेयर होल्डिंग है इनका, शेयर होल्डिंग इनके पास कितना है, 29% का जो है प्रमोटर की जो होल्डिंग है 29.3%, उसमें से इनकी जो गिरवी शेयर है 16.1% गिरवी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए रिटर्न तो इतने बहुत ही शानदार दिया है, 10 साल में लगभग 20% का सेजियर रिटर्न, 7 साल में लगभग 24% का सेजियर रिटर्न, 5 साल में 36% का सेजियर रिटर्न, 3 साल में 22% का सेजियर रिटर्न और 1 साल में 24% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ चार्ट कुछ इस तरीके का है, बहुत ही खूबसूरत चार्ट है, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट लगाऊँ तो कुछ इस तरीके का है, 3 ईयर का लगाऊँ तो कुछ इस तरीके का है। देखिए 5 साल का जो रिकॉर्ड है, जो इसका सेजियर ग्रोथ है वो 61.1% के आसपास है, और अगर हम डिविडेंड कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो लगभग 23.7% का डिविडेंड ये देती है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्वार्टरली रिजल्ट पे, क्वार्टरली रिजल्ट पे हमें इसलिए ध्यान देना है किस तरीके का ये नेट प्रॉफिट की है। देखिए यहाँ पे अभी अपडेट नहीं है, मैं अभी अपडेट आपको दिखाऊंगा कैसे है, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको देखना चाहिए। मार्च 2023 का जो है 146 करोड़ का है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाऊंगा, मार्च आप छोड़िए, यहाँ पे आप देखिए जून 2023 का 173 करोड़, सितंबर 2023 का 249 करोड़, दिसंबर 2023 का 258 करोड़। अब मैं थोड़ा सा अभी रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखिए, 2012 से जब स्टार्टिंग हुआ था तो कुछ इस तरीके का चला था, 218 करोड़, 2013 में 303 करोड़, 2014 में 315 करोड़, 2015 में 335 करोड़, 2016 में 235 करोड़, थोड़ा सा लड़खड़ाया था। दो हज़ार 2017 में 131 करोड़, 2018 में एकदम 60 करोड़ के आसपास आ गया था, 2019 में ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 200 करोड़, 2020 में 432 करोड़, 2021 में 137 करोड़, 2022 में यहाँ पे देखिए कुछ कोविड के टाइम में 1108 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अभी 2023 में इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ है 844 करोड़ का। तो अभी मैंने कैलकुलेशन किया है, यहाँ पे 844 आ रहा है, कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसका क्वार्टर
क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया है वो कितना जंप किया है, मैं आपको बता दूं कितना जंप किया है। 77% नेट प्रॉफिट का जंप है। कितना? 77% नेट प्रॉफिट का जंप है, बहुत ही शानदार जंप है। और ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है 258 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो वो ये पहला जून का जो क्वार्टर था 173, यहाँ पे आपको दिसंबर का देखने को, सॉरी ये जो सितंबर का क्वार्टर है, और ये देखिए जून सितंबर और दिसंबर, ये आप क्वार्टर देख रहे हो, यही क्वार्टर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये कैलकुलेटर पे। यहाँ पे देखिए टोटल इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 934 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये अपडेट कल परसों में हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इसकी अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न आप थोड़ा सा देखिए, FIs के पास लगभग यहाँ पे देखिए 50% तक होल्डिंग हो चुकी थी, ये अभी देखिए 45%, और DIs के पास 20 सॉरी लगभग 20% के आसपास है, क्योंकि 19.55% है यहाँ पे। और यहाँ पे आप मार्च 2024 में देखिए प्रमोटर की होल्डिंग सेम उतनी ही है, गवर्नमेंट की होल्डिंग सेम उतनी है, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। तो आपको मैंने सारी डिटेल बता दी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है इस कंपनी ने, फ्यूचर में और भी अच्छा आपको रिवेन्यू जनरेट करके देगा, बेहतरीन कंपनी है, आपकी नज़र इस स्टॉक पर ज़रूर होनी चाहिए। धन्यवाद।